भारत में हत्या कहा हुआ है तो झारखंड प्रदेश में हुआ है। 163 लोगों का आज हत्या सबसे ज्यादा झारखंड में हुआ। अगर प्रत्येक दिन की बात की जाए तो 6 लोगों की हत्या इस प्रदेश में प्रत्येक दिन हो रही है दोस्तों। सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, सबसे ज्यादा भारतवर्ष में अगर कहीं पर हत्या अपहरणों के साथ बलात्कार हो रहा है उस प्रदेश का नाम क्या है? झारखंडियों के चेहरे पर आपने काली पोतने का काम किया हेमंत सोरेन। कितने लोगों को आपने बहनों के साथ बलात्कार हुआ तो 6500 बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटी है। हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटी है। क्या आप हेमंत सोरेन को माफ कीजिएगा? हेमंत सोरेन को माफ कीजिएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा को माफ कीजिएगा दोस्तों? इसलिए हम सब लोगों को इन सारे चीजों का तुष्टिकरण की राजनीति को, बेरोजगार का मामला हो, हत्या का मामला हो, पूरे 3.5 साल में संगीन अपराध 2,64,000 इस प्रदेश में हुआ है, जिसमें हत्या है, अपराध है, बलात्कारी है, डकैती है, नक्सली घटना है। ये देश, ये प्रदेश अब कहा जा सकता है अराजकता की स्थिति में। ये प्रदेश जंगल राज की ओर बढ़ रहा है और आदिवासी और मूलवासी की बात करने वाले हेमंत सोरेन से मैं पूछना चाहता हूं, आप चुनाव के समय में महतो समाज को आप प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, आप बताइए मुख्यमंत्री जी, आप 4.25 साल आप हो गया है, 4.25 साल में आपने महतो समाज के लिए कुछ किया है कि? लेकिन पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार विनोद बिहारी महतो के नाम पर धनबाद का विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर हुआ था? विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर करने का काम था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आपसे आज अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।